नमस्कार दगड़ियों, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दगड़ियों, आज का ब्लॉग स्पेशल होने वाला है पहाड़ी बकरीबाज, समझ रहे हो। तो आप इसको पहाड़ी बकरियों भी बोल सकते हो कि लाइफ इस समय कैसी रहती है हमारे यहाँ आजकल। हालांकि आज के टाइम में घास की तो कोई कमी नहीं है हमारे गाँव में, गाय बच्चियाँ बहुत कम हो गई लोगों की और बकरियाँ भी कम ही है। तो एज ए फैशन मैंने भी दो चार बकरी रखी, ठीक है, क्योंकि भाई घर में बहुत सारा जो हमारा खाना बचता है वो वेस्ट होता है। तो अगर घर में कुछ पालतू जानवर रहेंगे तो भाई वो खा लेंगे और खाना भी वेस्ट नहीं होगा। तो फिलहाल कभी कभी मैं इन बकरियों को चरने के लिए भी लेके जाता हूँ, एज ए एडवेंचर ही समझो या घूमने फिरने के लिए। आज फिर मैं वहीं आया हूँ और मैं लगभग 2 घंटे से बकरी चला रहा हूँ। अभी दिखाता हूँ मैं आपको भाई क्या क्या करना पड़ता है बकरी चलाने के लिए भी, ठीक है। तो बने रहे ब्लॉक में, शाम का स्पेशल बकरीबाज ब्लॉक। ये देख रहो, ये चल रही है भाई मेरी बकरियाँ। और ये है पेड़ कंदार का, तो मैंने इसकी थोड़ी पत्तियाँ निकाली, ठीक है, और एक खिला रहा हूँ इनको। एक यहाँ पे खा रही है, एक नीचे खा रही है, एक वहाँ खा रही है नीचे। एक ये है और दो ये है भाई, ये छोटी छोटी अभी, ठीक है। तो ये रात लग गई, शायद इनका टाइम हो गया। इन्वायरमेंट की बात करो तो भाई गर्मी का तो नामो निशानी है यहाँ। आग लगने की वजह से थोड़ा धुंध छाई हुई है, आग अभी तो कम हो गई है, सुबह तो बहुत ज़्यादा धुंध थी। और ये बहुत गंदी बात है भाई, देख लो काला काला, ये पूरे जंगल में आग लगी थी कल, बहुत ख़तरनाक, पता नहीं किसने लगाई थी भाई, ठीक है। तो उसी का प्रकोप था, यहाँ काफ़ी ज़्यादा धुआं था सुबह सुबह, ठीक है। बट फिलहाल शाम का टाइम है और मेरी बकरियाँ देखो भाई हरी हरी पत्तियों का स्वाद लेती हुई कंदार के, ठीक है। यहीं से हमारा जंगल शुरू हो जाता है ये पूरा, ठीक है। और भाई यहाँ परमानेंट आजकल बाघ है, ठीक है, नो डाउट कि 2-3 बाघ यहाँ डेली देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मेरे डॉग्स भी हैं तो उनको उन पर अटैक करने के लिए भी घर तक भी भाई बाघ आ जाते हैं, ठीक है। आजकल जैसे कि आप सबको पता ही है, सूखी पत्तियाँ सब झड़ चुकी है और हर पेड़ की नई नई पत्तियाँ आ रखी है, तो बहुत सुंदर लगता है भाई हरा भरा वन अपना। अभी हमारे जंगल में भी, इस वाले जंगल में ऊपर की साइड में जो यहाँ भी आग लगी थी, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा उसको प्रयास किया और बुझाया, ठीक है, जिससे कि ये पूरी आग यहाँ तक नहीं आ पाई भाई, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारा पर्सनल जंगल है तो इसकी केयर भी हम खुद ही करते हैं भाई, ठीक है। बाकी ये जंगल अगर हम इनको केयर करेंगे तो भाई हमको बहुत कुछ देते हैं ये, ठीक है। हमको जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ देते हैं, हमारे जो जानवर है गाय बच्चियाँ बकरियाँ उनको चारा देती है भाई, ठीक है। और सबसे बड़ी बात भाई, हमको खुद ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ठीक है। आप सब जानते हो ऑक्सीजन के बिना हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो भाई ये चल रही है बकरियाँ, और यकीन मानिए ये बकरियाँ मेरे को छोड़ के कहीं भी नहीं जाती भाई। क्यों? क्योंकि डर भाई, डर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है और सारा मेरे सारे से यहाँ तक आ रखी है। तो उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है, ये अच्छी तरीके से चल रही होंगी। और मैं इनको काट काट के भी जहाँ ये नहीं पहुँच पाती हरा हरा घास भी देना पड़ता है चारे के रूप में, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास 4 बकरे हैं और 2 बकरियाँ हैं, छोटी छोटी बकरियाँ, देख रहे हो, इनको मैं परसों ही लाया हूँ, ठीक है। तो इनको भी भाई मैं एक एज ए फैशन पाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बता दिया कि बहुत सारा जो हमारा वेस्टेज अनाज है घर में बनता है वो सब बेकार हो जाता है भाई। और अब लगभग लगभग टाइम हो चुका है इनको घर ले जाने का, तो थोड़ा बहुत चल के मैं दिखाऊंगा जब हम नीचे जाएंगे, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत मैंने पत्तियाँ घर के जो गाय है हमारी बिया रखी है, अभी अभी मैंने फ़ोटो भी डाली थी हमारी नई गाय की, ठीक है। तो उसका बछड़ा हो रखा प्यारा सा लाल कलर में, तो उसके लिए भी मैं थोड़ी बहुत पत्तियाँ लेके जा रहा हूँ जब जंगल आए रखे हैं तो, ठीक है, क्यों नहीं इनको भी लेके चला जाए। आ चुका हूँ मैं बकरियाँ लेके घर, और ये देख रहे हो भाई अब बकरियाँ चर के आ रखी है ना, तो बिल्कुल आराम फरमा रही है भाई, देख रहो। अरे वो जो मैं घास लाया था ना हरी हरी घास, तो गायों को देने के लिए भाई, ये देख रहो, ये भी दूध देती है। और ये तो भाई अभी बिया रखी है इसका बछड़ा उस साइड में, वो देखो वो किनारे में, ये लाल लाल दिख रहा भाई, ये उसका बछड़ा है इस वाले का, ये सिंगो वाले का। तो ये भी भैया हरी हरी पत्तियों का मजा ले रहे हैं, ठीक है। और बाकी मैं दिखाता हूँ, अभी भी मैं फ्री नहीं हो भाई, देखो कितने सारे काम हो जाते हैं घर में। तो ये बकरियाँ भाई आराम कर रही है, अब चर के आ गई घास, हरी हरी घास का मजा लेके।
बाकी गांव का माहौल, सब लोग अपने जो जिनकी गाय बकरियां हैं और वही सब ला रहे होंगे। ठीक है, गायों को तो लाने के लिए जाना नहीं पड़ता है, खुद ही आ जाती हैं। और वहां गया था भाई मैं, देखो चराने के लिए, यहाँ देख रहा हूँ यहाँ से ये इतनी दूर, ये हमारा गांव है। तो एक तरह से हमारे यहाँ नज़दीकी है भाई, बकरियों के लिए गायों के लिए चारा तो आराम से उपलब्ध हो जाता है। और अब तो भाई जनसंख्या भी कम है गाय बच्चों की। ठीक है, तो बकरियाँ हो गई, गाय हो गई, भैंस भी, अगर हमारे गांव में तो एक भी भैंस नहीं है, लेकिन अगर भैंस भी रहेगी तो घास की कमी नहीं है भाई। ठीक है, जंगल सामने ही है। ठीक है, तो ये है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बहुत कूल वेदर इस टाइम अपने पहाड़ों का। और मेरे सामने कौन है, आते ही लिमिट जाता है भाई, मार्शल है मेरा। मार्शल हाय करो, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों बोलो हेलो। और भाई ये देखो मार्शल है ना, इसके और क्या ओपन ओपन बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो निकाल रहा था मैं। और ये रहा अपना मार्शल, ऑस्कर अभी पता नहीं कहाँ है भाई। ठीक है, तो मार्शल हेलो बोल दो, हेलो हेलो मार्शल। बाकी दगड़ियों गांव का अरे परे का व्यू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये देखो भाई छोटी मोटी क्यारी बाड़ी, आज मैंने एक खेत में जो है पूरा बैगन लगा रखे हैं। मेरी कुछ मुर्गियाँ थी भाई, तो उन्होंने जो है पूरा बर्बाद कर दिए थे भाई खोद खोद के। तो ये देखो खड्डे खड्डे ने मुर्गियों ने कर रखे हैं भाई, ये है। इसमें मैंने पूरे खेत में बैंगन लगा दिए भाई, देख रहा हूँ छोटे छोटे पेड़ हैं जी बैंगन। और कुछ मैंने टमाटर के पौधे लगा रखे होंगे, तो इस साइड में टमाटर देखो ये। ये देखो भाई ये है फ्रांस बीन। ठीक है, बाकी गांव का अरे परे का व्यू तो भाई क्या ही कहना, पहाड़ों की शाम बहुत गजब होती है। और देखो मेरी बकरी मेरे को याद कर रही है, मार्स मेरा यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, बॉडी गार्ड है भाई घर का, गांव के हाल समाचार यही है भाई, यही रहा गांव। ये देख रहो इनकी भी मुर्गियाँ भाई वहाँ पे अपने वीरेंद्र भाई की। तो यही है दगड़ियों आज का बकरीवाज ब्लॉग, और करता हूँ आपको पहाड़ों के बकरीवाजों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, वैसे इतनी घटिया लाइफ भी नहीं होती है बकरीबाजों की, बहुत अच्छी लाइफ होती है पहाड़ों में भी, अगर आप उस लाइफ को भी जीना चाहते हो। हालांकि उस चीज़ में पैसा कम है थोड़ा, बट भाई अपनी दाल रोटी लोग आराम से उसमें चला लेते हैं भाई। ठीक है, इतना फ़ायदा है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने पहाड़ी भाई बंदों के साथ। और यार सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को। ठीक है, मैं बोल बोल के थक जाता हूँ, और काफ़ी वीडियो में तो भाई मैं बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलो दगड़ियों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, भगवान करे आपकी रात्रि शुभ हो। बाय बाय दगड़ियों।